कुटुंबश्री और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन गण मन। सच तो सच है, अक्सर ये देखा गया है कि विश्व के जो सुपर पावर देश होते हैं वो अपने प्रभाव स्थापित करने के लिए कोई भी कमजोर देश या उससे कम शक्तिवान देश पर हस्तक्षेप करते हैं। यह हस्तक्षेप राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या अन्य किसी प्रकार का भी हो सकता है। इसी को इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच जो हो रही है वो कहीं ना कहीं इसी इंपीरियलिज्म को दर्शाता है। अब अमेरिका और ईरान के बीच हो क्या रहा है जिसे लेकर यह आशंका जताया जा रहा है कि कहीं ये तीसरा विश्व युद्ध का शंखनाद तो नहीं हो रही। दरअसल दोनों देशों के बीच विवाद तब से शुरू हुई जब से ट्रंप ने अमेरिका को 2015 की न्यूक्लियर समझौते से बाहर करवा लिया, क्योंकि उनके मुताबिक ईरान इस समझौते का उल्लंघन कर रहा था। साल 2015 की ऐतिहासिक समझौते के मुताबिक ईरान एक सीमित परिमाण तक ही यूरेनियम संवर्धन कर सकते हैं और बदले में ईरान को कुछ प्रतिबंधों से राहत मिलेगी। यह समझौता ईरान और P5 देश प्लस जर्मनी प्लस यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ था। अब जब अमेरिका ने खुद को इस समझौते से बाहर कर लिया तो ईरान पर प्रतिबंध दोबारा लगना शुरू कर दिया। इसके जवाब में ईरान ने भी अपना न्यूक्लियर संवर्धन बढ़ा दिया। उधर अमेरिका प्रतिबंध लगाता गया और दूसरे देशों को भी ईरान से तेल आयात ना करने की अपील की, जिसके बाद भारत ने भी ईरान का तेल सस्ता होने के बावजूद ईरान से तेल आयात करना बंद कर दिया। आपको पता होगा कि ईरान का अर्थव्यवस्था की मुख्य स्रोत तेल निर्यात ही है, जिस पर पाबंदी लगने के बाद ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर पूरी तरह टूट गई है। अब ईरान इसकी जवाबी कार्रवाई में 6 तेल टैंकर पर हमला कर दिया। उनमें से 4 हॉर्मुज जलसंधि के करीब और 2 ओमान की खाड़ी में किया गया। इसके बाद ईरान ने अमेरिका का एक RQ-4A नामक मिलिट्री ड्रोन भी हॉर्मुज जलसंधि पर मार गिराया। अब इसके बाद उल्टा जवाब में अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध बढ़ाने के साथ साइबर अटैक भी किया, जिसके बाद अमेरिका ने यह दावा किया कि ईरान के मिसाइल और रॉकेट लॉन्च करने वाले कंप्यूटर सिस्टम को पूरी तरह अपंग कर दिया गया। इसके बाद ईरान अपने समुद्र सीमा पर आने वाले एक ब्रिटानी तेल टैंकर को अगवा किया, जिसमें 23 कर्मी सवार थे। 2 महीने बाद हालांकि इस तेल टैंकर को छोड़ दिया गया। इसी सितंबर के महीने में ईरान द्वारा सऊदी अरामको पर मिसाइल अटैक भी किया गया। हालांकि यह अटैक हाउथी रिबेल द्वारा दावा किया गया है कि यह अटैक उन्होंने ही किया है, लेकिन यह मिसाइल जिस ओर से दागा गया उससे ईरान की भूमिका साफ नजर आया। हाल ही में कासिम सुलेमान की हत्या की खबरें काफी चर्चित मुद्दा बना हुआ था। आइए जानते हैं कि कासिम सुलेमान कौन था और उनका हत्या क्यों की गई। आपको बता दूं कि ईरान के डिफेंस सिस्टम में 2 फोर्स शामिल है, एक जो रेगुलर मिलिट्री फोर्स है और दूसरा स्पेशल फोर्स जिसका नाम है रिवोल्यूशनरी गार्ड। इसी में कुर्द फोर्स भी शामिल है जो राज्य क्षेत्रित यानी देश के अतिरिक्त हो रहे मामलों को संभालते हैं। इसी फोर्स को अमेरिका, बहरेन, सऊदी अरब द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है। आपको अभी मैंने जितने भी ऑयल अटैक के बारे में और अगवा किए जाने के खबरों के बारे में बताया, ये सभी इसी रिवोल्यूशनरी गार्ड द्वारा किया गया था, जिसका मास्टरमाइंड कुर्द फोर्स की सैन्य कमांडर कासिम सुलेमान था, जिनको अमेरिका ने इस नए साल की 3 जनवरी में इराक स्थित बगदाद में जवाबी हवाई हमले में मार गिराया। अब अमेरिका की इस आक्रामक रूप देखकर ईरान ने भी मस्जिदों पर लाल झंडा फहराकर युद्ध की ऐलान कर दिया और ठीक 2 दिन बाद इराक स्थित अमेरिकी दूतावास पर और सेना पर इराक ने मिसाइलें दाग दी। फिलहाल दोनों देशों के बीच स्थिति बहुत ही नाजुक है। कोई इसे डोनाल्ड ट्रंप की 2020 चुनावी स्टंट बता रहा है तो कोई बोल रहा है कि अच्छा भला देश में सब ठीक चल रहा था, ईरान की अर्थव्यवस्था भी फल फूल रही थी। इतिहास गवाह है कि शायद किसी भी देश की तरक्की
अमेरिका सहन नहीं कर पाता है, इसलिए न जाने कितने देशों को अमेरिका ने ऐसे ही तबाह कर दिया, और कई देश उनमें से ऐसा भी है जो आज तक उभर नहीं पाए। ये वैसे वही फॉर्मूला है कि अगर आपको अपना स्थान एक नंबर पर बनाए रखना है, या तो आप उसके लिए कड़ी मेहनत करोगे, नहीं तो मेहनत कर रहे लोगों को भटका दो या उनको तंग करो ताकि वे कभी आपका स्थान ना छीन पाए। धन्यवाद।